पंजाब के सभी लोगों को मेरा नमस्कार, सत श्री अकाल। पिछले कुछ दिनों से आप सब लोग देख रहे होंगे, ये सारी पार्टियां, इनके सारे आगू केवल और केवल मेरे को और भगवंत मान को गालियां दे रहे हैं। कल अमित शाह जी आए, अमित शाह जी ने केवल आम आदमी पार्टी और मेरे को गालियां दी। चन्नी साहब सुबह उठते हैं और शाम को सोने तक केवल मेरे को और भगवंत मान को गालियां देते हैं। बादल, सुखबीर बादल का नाम भी नहीं लेते। सुखबीर बादल साहब केवल और मेरे को और भगवंत मान को गालियां देते हैं, वो चन्नी साहब का कभी नाम ले लेते हैं। प्रियंका गांधी आई, केवल मेरे को गालियां दे रही थी। ऐसे लगता है जैसे ये सारे इकट्ठे हो गए हैं और इकट्ठे होके एक ही भाषा बोलते हैं, एक ही इनकी शब्दावली है सबकी। ये सारे ऐसे लगता है इकट्ठे हो गए और इकट्ठे होके ये हम लोगों को गालियां दे रहे हैं। हमारा कसूर क्या है? हमने अपना, हम पंजाब में जगह जगह जा रहे हैं, कोने कोने में जा रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करते हैं, इंटरव्यू भी करते हैं। उसमें हम यही तो कह रहे हैं कि दिल्ली में हमने स्कूल अच्छे किए, हमें वोट दो, हम यहाँ भी स्कूल अच्छे करेंगे। हम यही तो कह रहे हैं कि हमने अस्पताल अच्छे किए, यहाँ भी अस्पताल अच्छे करेंगे। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे बेरोजगार हैं, उनको रोजगार देंगे। बेअदबी करने वालों के खिलाफ सजा करेंगे, बेअदबी का न्याय दिलाएंगे, बिजली ठीक करेंगे, सड़क ठीक करेंगे। यही तो कह रहे हैं हम लोग, एक ईमानदार सरकार देंगे। ये सारी पार्टियां इकट्ठी हो गई हैं, ये आम आदमी पार्टी को नहीं, ये पंजाब को हराना चाहती हैं। ये पार्टियां नहीं चाहती कि किसी भी हालत में आम आदमी पार्टी की सरकार बने। ये पार्टियां चाहती हैं कि जिस तरह से ये 70 साल से पंजाब को लूट रहे थे ये पार्टियां, ऐसे ही ये लूटते रहें। इनकी लूट बंद नहीं होनी चाहिए। इनको डर है कि अगर आम आदमी पार्टी की सरकार बन गई तो इनकी परमानेंटली लूट खत्म हो जाएगी, फिर इनको लूटने के मौके नहीं मिलेंगे। ये पंजाब को हराना चाहते हैं ये सारी पार्टियां। मेरी पंजाब के लोगों से अपील है कि इस बार सबने इकट्ठे होके इन सारी पार्टियों को हराना है, पंजाब को बचाना है। ऊपर वाले ने, रब ने, वाहेगुरु जी ने इस बार अपने को एक मौका दिया है। एक ईमानदार पार्टी आई है, अच्छी पार्टी आई है जो ईमानदार सरकार बनाएगी। सबके बच्चों के भविष्य की बात है, तो सारे जने मिलके इस बार इन सारी दूसरी रवायती पार्टियों को हराना है और एक नया सिस्टम बनाना है, अच्छा सिस्टम बनाना है। चुनाव के 3-4 दिन रह गए, अब दारू और पैसा बंटना चालू होगा। मेरी सब लोगों से, पंजाब के सब लोगों से अपील है, इस बार फिसल मत जाना कभी, बिल्कुल भी, किसी हालत में, कोई नहीं। इस बार अपने को पंजाब बचाना है, हर हालत में पंजाब बचाना है। अपने सामने आंख बंद करके अपने बच्चों की तस्वीर रखना और वोट डालना, और सब लोग मिलके, चाहे वो कांग्रेस का हो, चाहे वो बीजेपी का हो, चाहे किसी भी पार्टी का हो। आपकी पार्टियों ने आपको आज तक कभी कुछ नहीं दिया। 70 साल में बीजेपी वालों को क्या दिया? बीजेपी ने कुछ नहीं दिया। कांग्रेस पार्टी ने कांग्रेस वालों को क्या दिया? कुछ नहीं दिया। अकाली दल वालों ने अकाली दल के काडर को क्या दिया? कुछ नहीं दिया। इस बार सारे जने एक बार अपनी अपनी पार्टी को भूल के सारे जने झाड़ू का बटन दबा देना। आपके कोई प्रश्न है तो बताइए। चन्नी साहब, तो देखो जी, मैं आपको बताता हूँ, वो सुबह से शाम तक वो केवल मेरे को ही गालियां देते हैं। आजकल वो रात को सो भी नहीं पा रहे। वो रात को सोते हैं, आंख बंद करते हैं, जैसी आंख बंद करते हैं उनके सपने में मैं भूत की तरह आता हूँ, और फिर वो एकदम से अचानक डर के उठ जाते हैं। जितने पंजाब को लूटने वाले आगू हैं जो आज तक लूट रहे थे, उनके सारों के सपने में आने लगा हूँ आजकल मैं, और वो पूरी पूरी रात नहीं सो पा रहे। जिस किस्म के बयान चन्नी साहब कर रहे हैं,
उससे तो यही लगता है कि काफी दिनों से सोए नहीं है, काफी दिनों से उनको आराम की सख्त जरूरत है, इसीलिए वो बेतुके बयान 24 घंटे मेरे खिलाफ करते रहते हैं। प्रियंका गांधी आई थी और सीधा सीधा आप लोगों पे आरोप लगा दिए कि आरएसएस की टीम है, आरएसएस के साथ आप लोग जुड़े हुए हैं। वो पिछले 7 साल से यही कह रहे हैं, बीजेपी की बी टीम है, आरएसएस की बी टीम है, इनकी सी टीम है, हाय रे मर गए रे केजरीवाल हमारे वोट ले गया रे, वो रोते रहेंगे, धीरे धीरे खत्म हो जाएगी कांग्रेस। देखिए आज पंजाब के अंदर पिछले 5 साल में और खासकर पिछले 3-4 महीने में जो घटनाएं घटी हैं, उससे एक बड़ा प्रश्न खड़ा होता है कि क्या कांग्रेस पंजाब को, पंजाब के लोगों को सुरक्षा दे सकती है। एक तरफ जहां आम पंजाबी अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है, महिलाओं के खिलाफ बहुत सारी वारदातें हो रही हैं, आम जनता के बीच में क्रिमिनल आपराधिक घटनाएं बढ़ी हैं, दूसरी तरफ बेअदबी के कई सारे अटेम्प्ट्स हुए हैं पिछले कुछ महीनों में। लुधियाना में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, प्रधानमंत्री की सुरक्षा, जब प्रधानमंत्री आए प्रधानमंत्री की सुरक्षा में सिक्योरिटी ब्रीच हुआ। प्रधानमंत्री की सुरक्षा देश की सुरक्षा है, उसके ऊपर राजनीति नहीं होनी चाहिए। उसके ऊपर दोनों तरफ से राजनीति हुई, मैं उधर भी, दोनों तरफ से उन्होंने राजनीति की। आम आदमी पार्टी कभी भी देश की सुरक्षा के साथ समझौता नहीं करती, हम कभी राजनीति नहीं करते, हमारे केंद्र सरकार से 100 मतभेद हैं सब जानते हैं, लेकिन दिल्ली के अंदर जब जब लोगों की पब्लिक इंटरेस्ट की बात हुई, हमने केंद्र सरकार के साथ सहयोग करके, जैसे कोरोना का मामला था, सब लोग आप जानते हो कि किस तरह से हमने केंद्र सरकार के साथ सहयोग करके दिल्ली को कोरोना से बचाया। यहां भी जब भी सुरक्षा की, राष्ट्रीय सुरक्षा की बात होगी, हम केंद्र के साथ मिलके एक टीम की तरह देश की और पंजाब की सुरक्षा करेंगे। दूसरी चीज, बॉर्डर से नशा आ रहा है, बॉर्डर से टिफिन बॉम्ब आ रहे हैं, बॉर्डर से ड्रोन आ रहे हैं, इनमें बहुत सारी घटनाओं के पीछे कहीं ना कहीं रिश्वतखोरी होती है, भ्रष्टाचार होता है। हमने देखा जब बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे तो कस्टम के कुछ अधिकारी बिके थे, जिसकी वजह से आरडीएक्स हमारे देश के अंदर आया था। यहां भी कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार होता है, जिसकी वजह से नशा एंटर करता है पंजाब के अंदर, जिसकी वजह से ये सारी चीजें एंटर करती है। आम आदमी पार्टी अकेली कट्टर ईमानदार पार्टी है, ईमानदार पार्टी आएगी तो नशा आना बंद होगा और बॉर्डर सुरक्षित होगा। एक मिनट, कितने लिकर शॉप्स हैं उनसे पूछना जरा। दिल्ली में जो नई लिकर पॉलिसी आई है, उसके पहले 850 दुकानें थी, आज दिल्ली में 550-600 दुकानें हैं, तो 300 दुकानें तो कमी हुई हैं। फिर वो कैसे कह रहे हैं कि दिल्ली, वो कुछ भी बोल देते हैं ये लोग। और बीजेपी तो झूठ फैलाने की मशीन है। मैं उनसे उनसे अगली बार वो ये कहे तो उनसे ये पूछना कि दिल्ली के अंदर तो दारू एक नंबर में बिकती है, गुजरात के अंदर तो पूरा ड्राई स्टेट है, खुलेआम दारू की नदियां बह रही हैं वहां, उस इलीगल दारू का पैसा किसके पास जाता है? गुजरात के अंदर जो इलीगल दारू बिकती है, उन्होंने प्रोहिबिशन किया हुआ है गुजरात में, जो इलीगल दारू बिकती है उसका पैसा किसके पास जाता है? देखिए पूरी कांग्रेस पार्टी सर्कस बनी हुई है, जैसा कल भी मैंने भी बोला था, भगवंत मान जी ने भी बोला था, एक बहुत बड़े नेता हैं, उनका बेटा एक और सीट से लड़ रहा है कांग्रेस को हराने के लिए, और वो नेता जो है वो अपने बेटे के लिए कांग्रेस को हराने के लिए प्रचार करने जा रहे हैं। चन्नी साहब है, उनका भाई दूसरी सीट से लड़ रहा है कांग्रेस को हराने के लिए। राजा वडिंग कह रहे हैं कि मनप्रीत बादल मेरे को हरा रहा है। ये सारे के सारे कांग्रेसी आपस में एक दूसरे को हराने में लगे हुए हैं। क्या ऐसी पार्टी पंजाब
पंजाब को भविष्य दे सकती है। और दूसरी तरफ जब आप आम आदमी पार्टी की तरफ देखो तो एक अच्छी सुनियोजित सिस्टमैटिक परिवार टीम नज़र आती है। ऊपर मैं हूँ, पंजाब में भगवंत मान है, नीचे हमारे कैंडिडेट्स चुनाव लड़ रहे हैं, घर घर जाके लोगों को पंजाब की तरक्की की बात कर रहे हैं। जिस घर में प्यार होता है, मोहब्बत होती है, वही बरकत करता है। जहाँ इतने लड़ाई झगड़े होते हैं वो तो परिवार बिखर जाता है। देखो जी, मैं समझ सकता हूँ आप ये प्रश्न क्यों पूछ रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से कैप्टन अमरिंदर साहब जब सीएम थे, तीन तीन चार चार दिन तक गांधी परिवार के वेटिंग रूम में बैठे रहते थे, हफ्ते में तीन चार गेड़े तो उनके लग ही जाते थे दिल्ली के। कोई भी छोटे से छोटा निर्णय हो वो दिल्ली उनको जाना पड़ता था हाईकमांड के पास। आज चन्नी साहब जो हैं हफ्ते में 5-7 बार तो चले ही जाते हैं दिल्ली। सिद्धू साहब 24 घंटे दिल्ली बैठे रहते हैं, ये सारी कैबिनेट उनकी दिल्ली बैठी रहती है। पिछले 4 महीने में आप मेरे को ये बताओ भगवंत मान कितनी बार दिल्ली आए? 2 बार। जब भी पंजाब का कोई मसला होता है केजरीवाल पंजाब आता है। हमारी पार्टी के सारे निर्णय पंजाब में लिए जाते हैं, हमारी पार्टी पंजाब से चलती है, उनकी पार्टी दिल्ली से चलती है। लेकिन अब अगर हमने दिल्ली में स्कूल बनाए, अस्पताल बनाए, ये ठीक किए, बिजली ठीक की, ये हम तो चाहते हैं कि सारे देश के लोग इससे सीखें। अगर हमने स्कूल अच्छे कर दिए तो बीजेपी का कोई मुख्यमंत्री मुझे कह दे, मैं हम उनको सिखा देंगे। कांग्रेस का कोई मुख्यमंत्री हमें कह दे, हम उनको सिखा देंगे। तो भगवंत मान तो हमारा ही है, उसको तो बताएंगे ही ना कैसे किए। वैसे भगवंत मान यहाँ जो अच्छे काम करेगा वो हम सीख के दिल्ली में करेंगे। देश की बात है, वहां पर पूरे देश में कहीं कोई किसी भी कोने में कोई अच्छा काम हो सबको सीख के करना चाहिए, उसमें क्या बात है। दोनों 3 महीने का काम तो सारे देख रहे हैं टीवी पे, कितनी नोटों की गड्डियां कैसे गिन रहे हैं लोग, तो वो तो लोगों ने देखा है कि ट्रांसफर पोस्टिंग में, रेता चोरी में, इन्होंने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। गिनीज बुक वाले कंसीडर कर रहे हैं भाई। इन्होंने तो 111 दिन में ही सारे पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए। थैंक यू।